అక్షస్రగపరశుం గదేశుకులశం పదమం ధనుష్కుండికాం దండం శక్తిమశిం చ చర్మజలజం ఘంటాం సురాభాజనం శూలం పాశసుదర్శనే చ దదతీం హస్తై ప్రసన్నాననాం సేవే సైరివ మరదనీమిహి మహా లక్ష్మీం సరోజస్థితాం। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर के मध्य काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का है वो आपको जानना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भविष्य को समझने की जो स्थिति ज्योतिष के अंदर बताई गई है उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकते। मीन राशि वालों, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और शुक्र के साथ बृहस्पति जिस प्रकार का योग बनाने वाले हैं, पराक्रम भाव में और भाग्य भाव में दोनों समसप्तक योग बनाएंगे। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहे। कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यरं च पौरुषम। संसार के दृष्टिकोण से तो उपद्रवकारी योग है, लेकिन जो धर्मनिष्ठ रहेंगे, परमात्मा की उपासना करेंगे, अपने आप को संयमित रखेंगे, उनके लिए ये बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इसी अक्टूबर के मध्यकाल में, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इसी अक्टूबर के मध्यकाल के अंदर। ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप आपकी राशि मीन राशि संबंधित जातक हैं, उनको खास तौर पर समझना चाहिए कि आपके लिए क्या कुछ होने के योग बनते हैं। जो छात्र इत्यादि हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आपके मनोविचार में थोड़ा सा हिम्मत हारने के योग बन सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि छोटी छोटी बातों में ऐसा लगे कि अरे, तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार की मीन राशि वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा कहीं भी मोटिवेट कम हो तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। विशेष तौर पर ऐसे बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। और आप भी यदि बड़े भी हैं तब भी मंगल इस प्रकार का योग बना रहा है आपकी राशि के अनुसार से कि विचार थोड़ा सा जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ले जाने की स्थिति बना सकता है। उसको कैसे इम्प्रूव करना है ये सारी बात हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अक्टूबर को शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और उस दिन महाअष्टमी महानवमी का दोनों का योग पड़ रहा है। माँ लक्ष्मी का भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्र के सुंदर योग जिस प्रकार चल रहे हैं, ऐसे में भगवती का सुंदर पूजन करें। गजकेसरी योग आपकी राशि में विराजमान होकर बड़ा सुंदर रास्ता बनाता दिखाई देगा और चंद्रमा बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर जो स्थिति बना रहा है ये आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ लाभ की सूचना भी लेकर आता दिखाई दे रहा है ग्रह। इसलिए लगातार काम करने का प्रयास करें। ये दो तीन दिन आपके लिए ग्राफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र का पूर्णाहुति का यज्ञ हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसी दिन रखा है शाम को, विशेष तौर पर 5 बजे के बाद बड़ा सुंदर यज्ञ जो पूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ रहेगा, माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में बैठकर आप सब कर सकते हैं। जो पिछले 9 दिन से सहस चंडी नवग्रह शांति महायज्ञ चल रहा है उसकी पूर्णाहुति का समय है, वेला है। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस सुंदर यज्ञ में। माँ भगवती का सुंदर स्थान है जो मुल्तान से माँ भगवती 500 साल पुरानी प्रतिमा विवेकानंद योगाश्रम में आज प्रतिष्ठित है 1947 से। आप भी वहाँ आकर उनका दर्शन करें। देखिए, सुंदर योग में कहा जाता है अष्टमी और नवमी की सुंदर रात्रि में माँ भगवती का जो सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके दिए उनका सानिध्य बैठ के यज्ञ करते हैं, समस्त कष्ट दूर होकर मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। आप भी इस अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साथ कर आप अवश्य यज्ञ में बैठे तो आज अच्छा कल्याण का योग बनेगा। 12 तारीख का दिन विजयदशमी का दिन है, शनिवार है और उस दिन नौमी तिथि उदया तिथि है और शाम के समय विराजमान हो जाएगी दशमी तिथि जो दशहरे का योग भी बना लेगा। इस बार दशहरा शनिवार का पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो वो थोड़ा सा समय आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन सार्वभौमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिवार का दशहरा और साथ साथ अगले दिन ग्रहों का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन होकर जो योग बन रहा है बृहस्पति और शनि शुक्र का जो एक दूसरे के सम्मुख समसप्तक योग बना रहे हैं, ये संसार के लिए भयावह रहेगा। लेकिन आपके दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपके लिए लाभ के रास्ते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल आश्वस्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके लिए बस गुस्से को कंट्रोल में रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इशारा जो शनिवार का पड़ रहा है ये विश्व के लिए भयावह है, ये कष्ट में हो सकता है, दो विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। आगे आने वाले समय में विश्व में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का भयावह वातावरण है, युद्ध की स्थिति चल रही है और ये शुक्र बृहस्पति का जो प्रभाव है विश्व में और ज़्यादा आग में घी डालने का कार्य करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अपराजिता का पूजन इस दिन किया जाता है। विशेष तौर पर भगवती दुर्गा का एक स्वरूप है अपराजिता और इस दिन कहा जाता है वो नीले पुष्प वाली जो बेल होती है उसको घर में लाके लगा लेना चाहिए।
जो घर में लाके उसको लगा लेते हैं, उसका पूजन करते हैं और उसके फूलों को उस दिन उतार कर पान में बांध कर सिद्ध करवा के यदि रख लें तो बहुत अद्भुत प्रकार के अपराजित होने के योग बन जाते हैं। यानी यदि पराजय भी हो रही हो तब भी विजय के योग बन जाते हैं। पूरा सिद्ध प्रयोग है, उसको सिद्ध प्रतिष्ठित करके शास्त्र में अधिक विधान बताए गए हैं। कभी समय मिलेगा तो उस पर बात करेंगे आपके लिए। तो लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण जो उपाय बताए वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 13 तारीख का दिन रविवार का अवसर, उदय तिथि दशमी तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो परिवर्तन का योग बनने वाला है। शुक्र वृश्चिक राशि में सुबह 6 बजे प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये प्रवेश जो शुक्र का हो रहा है ये विशेष तौर पर विस्फोटक वातावरण बनाता दिखाई देगा आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए अच्छा है, मीन राशि वालों के लिए विजय के योग बनेंगे, भाग्य से रास्ते बनने के योग बनेंगे। इसलिए आप जितना विशेष तौर पर पुण्य कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। बस गुस्से को शांत रखना है इन दिनों। अननेसेसरी आपने जब से बृहस्पति परिवर्तन हुए हैं अननेसेसरी आपने देखा हुआ कई छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा मन थोड़ा सा, और बृहस्पति बकरी भी चल रहे हैं तो ऐसे में आप थोड़ा सा एक नित्यपति काम करें, हल्दी का टीका माथे पर अवश्य लगाया करें और सूर्य को जल दिया करें, क्योंकि सूर्य भी आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो हमने पहले ही बताया था आपको, इसको करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनते रहेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्यों का आरंभ करना चाहें तो इस दिन लाभ ले सकते हैं, बड़ा सुंदर वातावरण रहेगा। 14 तारीख के दिन बात करें सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि उदया तिथि के रूप में पापंकुशा एकादशी का योग है, साथ साथ द्वादशी भी योग बन रहा है लेकिन द्वादशी क्षय हो रही है इस दिन। तो एक बात का ध्यान रखें, विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह योग बन रहे हैं वो अन्य से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा, चावल का दान करें ये आपके लिए बहुत जरूरी है, पापंकुशा एकादशी है ही, हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, तो इसलिए भगवान विष्णु का शिष्ट श्रद्धा के साथ पूजन करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनाने की स्थिति करेगा, स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। 15 तारीख का दिन मंगलवार का दिन त्रयोदशी तिथि है और शाम के समय प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी होने के कारण से प्रदोष का योग बन रहा है, आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा वातावरण बनेगा लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सुबह ध्यान रखना पड़ेगा। शाम को कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने के योग बन सकते हैं लेकिन देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़े वीक रहते दिखाई दे रहे हैं। 12वें भाव में प्रतिष्ठित बैठा हुआ चंद्रमा और जो दिन भर है थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा इन दिनों थोड़ा परेशान करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 16 तारीख का दिन बुधवार का दिन और कुजागरी का दिन है, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उसके बाद पूर्णिमा शाम के समय विराजमान हो जाएगी, तो इसलिए कुजागरी और शरद पूर्णिमा की रात्रि बनती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय बन रहा है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, नया मोटिवेशन लेकर आता दिखाई दे रहा है, अच्छा सा आपके लिए ग्रह योग बन रहा है जो आपके लिए समय के अनुकूलता का लाभ देता दिखाई दे रहा है और तटस्थ होकर काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए स्थिति उत्पन्न हो। देखिए ऐसे में परोपकार का काम करें, ग्रह नक्षत्र आपके लिए सूर्य चंद्रमा विशेष तौर पर राहु के साथ विद्यमान होकर लग्न में विराजमान है, सामने सूर्य और केतु विद्यमान है, ये दिखाते हैं कि जितने परोपकार के काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गेहूं का दान, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान, किसी मंदिर में जाकर देखिए सुंदर तिथि बन रही है, अक्षय विशेष तौर पर कुजागरी की रात तो है ही है और ऐसे में विशेष तौर पर सबसे अच्छेष्ट आपके लिए एक उपाय बताते हैं, तांबे के बर्तन मंदिर में जाकर दान करें, यह आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएगा और आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करें। कुजागरी की रात तो वैसे ही बहुत खास है, इस दिन तो महालक्ष्मी का जो व्रत कर लेते हैं उनके जीवन में पुराने किए हुए कष्ट भी निवृत्त हो जाते हैं। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कुजागरी पड़ रही है, ये कुजागरी की रात, जैसा नाम है कुजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है, शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए, कुजागरी की कथा है क्या। कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे, एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, अरावत पर आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे, इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी, इंद्र ने उस पर उसको लेकर आदर से लिया लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, अरावत के सिर के ऊपर रख दिया,
ऐरावत भी मदमस्त था, जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे, तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो, जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के सुमन तुम्हें अर्पित किया तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती, जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का शिव ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकल कर, कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार शिवहीन हो गया, तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशेष तौर पर प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है, कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ, उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं, इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मन्मगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषाणम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीम शम देवी उपवय श्रीमादिम युक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कुजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है, वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। तो मीन राशि वालों, 16 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग आपने समझा, और ऐसे में यदि सुंदर उपाय आप कर लें, भगवती की जो कथा हमने समझाई है वो बहुत विशेष है, इसका ध्यान रख लीजिएगा, ये कहीं सुनने को मिलेगी नहीं। और आप हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सब पौराणिक कथाओं को समझाते हुए आपके साथ समस्त कष्टों का निवारण करने के जो उपाय हैं वो उपस्थित करते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं, 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो इस दिन तुला राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि में सूर्य आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जो प्रवेश करेंगे, ये विशेष तौर पर पूरा एक महीना आपके लिए थोड़ा सा हमें दिखाई देता है कि आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। अष्टम भाव में गए हुए सूर्य ये विशेष तौर पर आपके लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, तो सूर्य का लगातार उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा कई मामलों में भी बन सकता है, क्योंकि छोटे परिवर्तन के तौर पर देखा जाए चंद्रमा करीब करीब शाम को 4:19 पर मेष राशि में प्रवेश करेगा, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन रहेगा, अच्छा कुछ ना कुछ रास्ता बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में भगवान के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान रहेगा इस दिन, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं नए कार्यों को आरंभ करने के लिए। सूर्य का ये परिवर्तन जो है क्या कुछ करेगा, इसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बनाकर उपस्थित करेंगे, और सूर्य का परिवर्तन कैसे आपको लाभ पहुंचा सकता है इसको भी आपको समझना है। सूर्य के लिए क्या खास उपाय करने हैं वो भी आपको, पूरे एक महीने तक सूर्य क्या करेंगे उसके लिए हम अलग से एक वीडियो उपस्थित करने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्दी, हमारे इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। 18 तारीख की बात करें, बृहस्पति शुक्रवार का अवसर, कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है, कार्तिक का महीने की प्रतिपदा तिथि है, और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी सुंदर रूप से विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय ऐसा है कि यदि माता पिता का आशीर्वाद लेके जिस भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे ना, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये विशेष तौर पर
निष्कर्ष समझ लो इस ग्रह योग का आपकी राशि के अनुसार से। तो आपके लिए समय जो है वो पूरा 50% का ग्राफ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों चल रहे हैं वक्री, तो इनका उपाय आपको लगातार करने की जरूरत, हो सके तो गौ सेवा नित्य प्रति करने का प्रयास करें, क्योंकि गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, शुक्रवार का दिन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। 19 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण होने की स्थिति बन रही है आपकी राशि के अनुसार से। तृतीय भाव में बैठे हुए बृहस्पति के साथ चंद्रमा सुंदर योग बनाएंगे, तो यानी सुबह जो मेहनत करेंगे शाम आते आते 2-3 दिन में आपके लिए उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बढ़िया तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि इंद्रों वक्री चल रहे हैं जैसा हमने आपको अवगत कराया, तो सबसे श्रेष्ठ है उसके लिए कुछ उपाय कर लें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा चढ़ा दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए सर्व प्रकार से कल्याणकारी योग बनाता दिखाई देगा। 20 तारीख का दिन रविवार का अवसर, और इस दिन तृतीया तिथि, उदया तिथि और चतुर्थी का योग भी शाम के विद्यमान हो रहा है, लेकिन चतुर्थी क्षय भी हो रही है इस दिन। करवा चौथ का सुंदर पर्व है, साथ साथ मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे के आसपास, और बुध ग्रह उदय होने के योग बना रहे हैं। ये ग्रह दोनों के दोनों बृहस्पति चंद्रमा का जो परिवर्तन, जो मंगल का जो परिवर्तन है कर्क राशि में प्रवेश करना, ये क्षीण हो जाएंगे जब मंगल, और ऐसे में कई बार क्या होता है कि विश्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए शुक्र का और खासतौर पर बृहस्पति का योग बन रहा है, और साथ साथ मंगल कर्क राशि में जाने के कारण से विश्व में कई प्रकार का नेगेटिव प्रभाव इसका दिखाई देगा। बहुत अधर्मी लोग जो हैं वो फंसते दिखाई दे रहे हैं, गलत कार्य करने वाले लोग फंसते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में कुछ दुस्साहस कर सकते हैं, ये विश्व के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझना चाहिए। तो ऐसे में आपको भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, क्यों, क्योंकि मंगल काफी दिन तक करीब करीब 40 दिन तक यहां पर रहने वाले हैं और ये स्थिति जो उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे में थोड़ा सा ध्यान करने की आपको खास जरूरत है, मंगल का उपाय विशेष तौर पर करने की जरूरत है। करवा चौथ है इस दिन, उसका लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। चंद्र दर्शन करीब करीब शाम को रात्रि में 8 बजे के आसपास होने के योग बन रहे हैं दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी, आप अलग से हम बताएंगे आपको। ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा, इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तविक दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए, बड़े आसानी से समझने के लिए, कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है। वास्तविक तौर पर दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं, तो ये तो हर जितने भी इस धरा पर प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आप कहाँ विद्यमान हैं, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियाँ सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है, और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं, जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है, वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएँ तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है, यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यपति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है, उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, और कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है, ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं, देखिए उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है, और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, और ज्योतिष को वास्तविक तौर पर हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं, और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें।
ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके अनुसार से, आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर पहुँचा, पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएँ क्या हैं, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं, यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कुचागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है, हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कुजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कुजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मेरे और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएँ घट रही हैं, किसी के कारण से भी घट, किसी के जीवन में घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है, चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं, तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्यकाल जो शास्त्र में वर्णित हैं, प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पर हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब करीब 50 सालों से 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्यपति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्यपति यज्ञ चलता है, भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पर किए जाते हैं। बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान के माध्यम से किया उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया, चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साक्षात निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है, भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।